हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास नाइन्थ और सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करूँगा। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको अगर और कोई भी, मतलब इसमें मैथ का अगर साइंस का भी चाहिए, एसएसटी का चाहिए, हिंदी इंग्लिश इनका भी चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, मैं इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ए बी सी डी एन ई, चार पांच सेक्शन में बटा है पूरा पेपर, ठीक है। इसमें से ए में 18 एमसीक्यू रहने वाले हैं और 1 मार्क्स ईच का होगा ये, ठीक है। इसमें से 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो 2 मार्क्स ईच होगा। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो 3 मार्क्स ईच होगा। सेक्शन डी में चार लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो 5 मार्क्स ईच होगा। और सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम सेक्शन ए को सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर, अ होल नंबर। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ते हो 11th-12th क्लास में। रियल नंबर में अब 2 कैटेगरी है, एक होती है रेशनल और एक होता है इरेशनल, ठीक है। अब एवरी रेशनल नंबर क्या होता है, तुम्हारा रियल नंबर होता है, ठीक है, सारे के सारे रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है, और पॉइंट ये भी आ जाएगा, ऐसे 3-3 ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो सारे किस में होता है, रियल नंबर में होता है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ओके, इसको ध्यान रखना है, इस फ्लो चार्ट को। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर जैसे 2 और 3 रेशनल नंबर ले लें, इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना, बहुत सारे, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स, डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। देखो, √81 का तो 9 होता है, ये तो इरेशनल नहीं होता, ठीक है। इरेशनल मतलब वो है ना, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब ये 4, ये भी क्या होता है तुम्हारा 2/3, ये भी तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये रिपीटिंग टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए इसको बदल सकते हैं हम रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा ये वाला नंबर, तो ये आंसर तो √7 ही है, ठीक है। मैं तो बाकी आपको बता रहा हूँ ये क्यों नहीं होंगे, बी सी एंड डी, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हमारे यही होगा ए, ठीक है, √7 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, √2, √3 और +√3। देखो, रूट में जब वैल्यू सेम होती है ना, एक बार लिख दो इसको ऐसे, और इसके आगे क्या है वो देख लो, इसके आगे वन समझ लो, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, 1 और इसके आगे 2, 2 और 1, 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3√3, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, √15 × √10 इज इक्वल टू। देखो, √15 और √10, देखो रूट पहले तो एक रूट बना लो, और रूट को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 15 × 10 कितना हो जाएगा, 150, क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 150 होगा। अब इसका वो कर लो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो आता ही होगा आपको, ये 75 होगा, फिर देखो ये किससे जाएगा, 3 से चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। तो रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 2 × 3 × 5 × 5, अब रूट के अंदर 2 पेयर है तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 3 × 2 = 6, तो 5√6, ये देख लो कौन सा है, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5√6। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीनोमियल। देखो, पॉलीनोमियल में क्या होता है, जैसे एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर तुम्हारा होल नंबर होना ही चाहिए, यहाँ होल नंबर होने चाहिए, यहाँ पर है ना, ये नहीं होने चाहिए, जैसे मान लो रूट
रूट टू हो गया, ऐसे नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसे नहीं होने चाहिए, या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है। मतलब आपका होल नंबर होने चाहिए यहाँ पे, भले ही यहाँ पे जीरो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही यहाँ पे वन टू ऐसे चलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिखा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, टू एक्स की पावर माइनस टू, ये ऊपर आ जाएगा ना ऐसे पावर में, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये तो, ठीक है। फिर सी देखो, सी भी नहीं होगा क्योंकि देखो एक्स की पावर देखो थ्री बाई टू फ्रैक्शन में नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो रूट टू है भले ही, लेकिन एक्स की पावर वन है ना, ये होल नंबर है ना आपका वन, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो ये है पी एक्स बराबर एक्स प्लस थ्री पी है, देखो आपसे पूछ रहा है पी एक्स प्लस पी, ये माइनस एक्स और ये पी लगा दो, इक्वल्स टू पूछ रहे हैं। देखो एक्स की वैल्यू ऐसे रख दी पी एक्स, ये ऐसे है, और पी एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखा तो वो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस थ्री, यही होगा ना। देखो x की जगह यहाँ पे माइनस एक्स रखना है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि माइनस एक्स बोल रहा है वो, ठीक है। तो x से प्लस का x माइनस का x कट गया, थ्री और थ्री कितना हो जाएगा सिक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, d आ जाएगा। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, और प्लस ये देखो ऐसे देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल, याद कर लेना इसको, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये होता है, ठीक है। अब सुनो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो कर देगा ये, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो ए क्यूब पी क्यूब और सी क्यूब, ठीक है, सॉरी ये देखो यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, ठीक है, ये होल क्यूब नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे है कुछ, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। अब ये तो पूरा जीरो हो गया, ये माइनस थ्री ए बी सी है, बराबर में क्या कर दूंगा इधर, क्या आ जाएगा थ्री ए बी सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, थ्री ए बी सी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखो साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली। देखो एब्सिसा होता है आपका एक्स एक्सिस वाला, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस वाला, ठीक है। अब इसमें कह रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये फर्स्ट होता है सेकेंड होता है, सेकेंड में कौन सा चलता है एक्स का, तो यह माइनस होता है, और वाई का क्या होता है यहाँ पर देखो प्लस का होता है, तो माइनस प्लस होगा, देखो कौन सा है, ये वाला आ जाएगा सी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स का माइनस होता है, ठीक है, और वाई का प्लस होता है, माइनस प्लस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। देखो ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, कहाँ पर काटती है, ओरिजिन पॉइंट पर, बस बी आ जाएगा इसका, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट पर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स आर, पी दे रखा है ये, क्यू दे रखा है ये, देन एब्सिसा ऑफ पी। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एब्सिसा होता है आपका एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस वाला, ये ध्यान रखना। तो एब्सिसा ऑफ पी, एब्सिसा ऑफ पी माइनस टू रखूँगा यहाँ पर, और माइनस का सिंबल यहाँ पर माइनस। अब एब्सिस ऑफ क्यू, एब्सिस ऑफ क्यू ये वाला है आपका माइनस थ्री, तो ब्रैकेट में रखना माइनस थ्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो माइनस टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये थ्री, अब प्लस के थ्री में से माइनस का टू गए तो कितना बचा वन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, द इक्वेशन एक्स बराबर सेवन इन टू वेरिएबल कैन बी रिटर्न एज। देखो ये एक्स बराबर सेवन है ना, पुट करके देख लो, इसमें करो इसमें करो इसमें करो इसमें करो, जिसमें जीरो आ जाए वो आपका आंसर है, डी को तो छोड़ दो, चलो ये तो होगा ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, इन तीनों में से बताना है। जैसे इसमें मैंने एक्स की वैल्यू सेवन रखी है तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू सेवन जीरो, और यहाँ पर वन, और वाई बराबर सेवन, ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे रखा मैंने सेवन को इधर, सेवन इंटू वन सेवन, और यहाँ वाई है तो वाई भी तो है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे रखो सेवन को, सेवन इंटू वन सेवन,
और यहाँ 0 × y 0 हो जाएगा और 7 7 बराबर 7 हो रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट करके देखना है। देखो यहाँ पे y 0 हो गया ना, इसलिए बराबर हो गया। यहाँ पे y 0 नहीं हो रहा था, y बच रहा था, यहाँ पे भी y बच रहा था, इसलिए ये नहीं होंगे, बी और सी ए हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट 13। द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 9 हैज़। अब देखो इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसमें कह देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की अलग वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की अलग वैल्यू, x की वैल्यू 2 तो y की अलग, ऐसे बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है भाई, तो पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। देखो वन पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें बन सकती है, इनफाइनाइट, तो ये तो भाई फॉल्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन खींच जा सकती है जो दोनों पॉइंटों को कवर करती हूँ, तो ये तो बोल रहा है इनफाइनाइट, ये भी फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। देखो टर्मिनेटेड लाइन जो सेगमेंट है, अब तुमको यहाँ से इधर से बढ़ाई जा सकते हैं, बहुत सारी अभी लाइन बन जाएगी, तो ये बात सही है, पोस्टुलेट है। ठीक है, यूक्लिड का पोस्टुलेट है, ये आपका ट्रू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन दियर रेडियस आर इक्वल। हाँ बात सही है, अगर दो सर्कल सेम है तो उनकी रेडियस भी तो सेम होगी भाई। ठीक है, सर्कल सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, तो ये बात भी ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, कौन सा है, डी आ रहा है। देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूक्लिड्स एक्सियोम। ठीक है, पहला दे रखा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सही बोल रहे हैं, देखो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब ये होल है, इसमें से छोटा सा पार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये होल तो बड़ा है ना इससे छोटे से, यही बात बोल रहे हैं। ये तो आपका सही है, इसमें बोल रहा है कि क्या सही नहीं है वो बताना है, ये तो सही है। इफ बी देखो, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, सही बात है। जैसे टू है, ये टू है, इसमें वन वन जोड़ दिया ऐड, तो तीन तीन बराबर हुए ना, होल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल आर एडेड टू इक्वल, देखो दो और दो बराबर इक्वल है, अब इनमें इक्वल इक्वल ऐड करा तो ये भी फिर तीन बराबर तीन होगा ना, इक्वल इक्वल आएंगे, ये भी सही है भाई। फिर तीसरा देखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनादर आर नॉट इक्वल टू वन अनादर, नहीं ये बात गलत है भाई। ठीक है, देखो कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है, तो वो दोनों बराबर होंगे ना, यहाँ पर नॉट लगा रखा है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डी देखने की जरूरत ही नहीं है, सी इसका करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। देखो 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो वो कौन सा होता है आपका, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफ़ टू इंटीरियर एंगल्स आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3, तो ये हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो टू पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सपोज करो इस साइड आपकी दोनों एंगलों को वो है, रेशो दे रखा है टू, इसको एक्स मान लो और इसको 3x मान लो, रेशो में दे रखा है ना, तो कुछ ना कुछ मान लो, इसको 2k 3k मान लो, 2x 3x मान लो। ठीक है, अब इन दोनों का एंगल का सम 180 होता है, ये आपको पता है, 2x + 3x = 180, ये आपको पता है, दो पैरेलल लाइन वन साइडेड जब होते हैं दोनों का सम 180 होता है, तो 5x = 180, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180/5, तो 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 36 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये अब बोल रहा है ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स, इनमें से ग्रेटर कौन सा होगा, 3x वाला होगा, तो 3x की जगह 36 पुट कर दो, तो 90 और 18 ये आपके क्या हो जाएगा, 108। ठीक है, तो 108 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इन द गिवन डायग्राम एंगल 1, 2, 3 आर सेपरेट। देखो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये लीन है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये गौर से देखो PQ, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 120 है
और ये पूरा 180 होता है लीनियर पेयर एंगल से, तो ये 120, ये पूरा 180 होता है, ये 120 है तो ये कितना होगा 60, अभी 60 है तो ये भी 60 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो फर्स्ट 60, सेकंड 120 और फिर 60, तो 60 120 60, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, देखो असर्शन दे रखा है पॉइंट ए -2 -4 लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, सही बात है। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ये प्लस प्लस के होते हैं क्योंकि एक्स प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है क्योंकि एक्स माइनस में होता है यहाँ पे और वाई प्लस में होता है, यहाँ दोनों माइनस माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो एक्स भी माइनस में और वाई भी, ये देखो वाई भी माइनस में होता है, तो ये बात सही है, एकदम एकदम ट्रू बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट द रीजन अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बात भी सही है थर्ड क्वाड्रेंट। देखो पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, अगर दोनों के नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये बात भी सही है। और देखो इसमें कमाल की बात है कि जो रीजन है ना असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना रीजन। देखो देखो अच्छे से पढ़कर देखो, है ना। अब 20 क्वेश्चन देखो, असर्शन डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, बात सही है। जैसे मैंने 7 लिया, ठीक है, तो इसमें ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऐसे लगा सकता हूँ और एक्स की पावर जीरो क्या आती है आपकी 1, ये आपको पता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो रही है आपकी जीरो, और जीरो डिग्री की वो क्या होती है आपकी, देखो जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है जीरो, ये बात सही है। फिर रीजन ट्रू है ये वाली बात, तो ठीक है असर्शन। तो रीजन देखो, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल, बात सही है। देखो एक टर्म होती है तो आपकी मोनोमियल, दो टर्म वाली होती है तो आपकी बाइनोमियल, तीन टर्म वाली होती है ट्राइनोमियल, तो बाइनोमियल, ये बात भी सही है। लेकिन इसमें रीजन असर्शन को क्लेरिफाई नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका क्या आ रहा है आपका ए, इसका बी आ जाएगा। ओके दोनों सही है, लेकिन बस रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे नहीं दे रहा ए का, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेक्शन बी को करते हैं। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं हम, तो सेक्शन बी के क्वेश्चन देखिए आप। देखो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो देखो 3/5 लिख लो यहाँ पे और यहाँ पे 4/5 लिख लो। ओके अब देखो 5 निकालने तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये कितना आया, 6 3 18 अपॉन 6 5 30, और ये कितना है 6 4 24 और 6 5 30। अब देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ऐसे 23/30, ये हो गए 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर हो गए इसमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हम देखते हैं इसको, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर है। तो देखो एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, तो इसको एक बार जीरो के बराबर पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली -1। अब ये -1 को ले जाके इसमें पुट कर दो, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो इसको लिख लूंगा पी एक्स बराबर 2x³ + x² - 2x और -1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है लिख दिया मैंने। माइनस प्लस चेक कर लो, माइनस प्लस सही रखा है नहीं रखा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 रखनी है, तो पी या -1 और ये जीरो के बराबर आने चाहिए तभी होगा, ठीक है। 2x की जगह -1 रख दो, क्यूब प्लस -1² - 2 और ये ब्रैकेट में -1 और ये साथ में -1, ठीक है। अब देखो -1³ क्या होगा, -1 होगा, देखो मैं कैसे -1 × -1 × -1, तो -- प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो आंसर में क्या आएगा -1, तो यहाँ पे -1 × 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब -1² कितना होता है +1, ठीक है, -1 × -1 करके देखो भाई +1 ही होगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो -- प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 × 1 2 और ये -1,
अब माइनस टू से प्लस टू कट गया, प्लस वन से माइनस वन कट गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही, जीरो के बराबर, यानी ये इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा क्योंकि जीरो के बराबर आ गया। ओके तो कह देना यस फैक्टर होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू सिक्स। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, एक्स बराबर लिख लो आप सिक्स माइनस टू वाई, ये मैंने लिख दिया। अब एक्स ये ऐसे बक्सा बना लो या फिर बिना बक्से के भी कर सकते हो, ठीक है, या मैंने लिख लिया एक्स या मैंने लिख लिया। अब मैंने जब वाई की वैल्यू अगर मैंने जीरो रखी यहाँ पे, वाई की वैल्यू सपोज करो जीरो रखी, तो मैंने जीरो रखा, यहाँ रखो एक्स इक्वल्स टू सिक्स माइनस जीरो इंटू टू, जीरो हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स, वाई बराबर जीरो पर एक्स की वैल्यू सिक्स। ऐसे ही मैंने ना दूसरे बार लिया, ये तो हटा दो अब इसको, अगर मैंने वाई की वैल्यू वन रखी, वाई की वैल्यू वन रखी तो एक्स बराबर सिक्स माइनस टू इंटू वन कितना होगा टू, तो इसकी फोर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप टू रख के कर लेना, ऐसे ही थ्री रख के कर लेना वाई की, ठीक है, चार सॉल्यूशन बना देना। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर बी सी, देन प्रूव ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसका हम इस तरह से, यहाँ लिख दिया मैंने ए, यहाँ लिख दिया मैंने बी, और यहाँ पे कहीं सी, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए सी बराबर बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो मैं सबसे पहले इसको ये प्रूव करना है, टू प्रूव में लिख देंगे, ये हमको गिवन है, ऊपर वाला जो अभी अभी लिखा गिवन, ठीक है। प्रूव में क्या करना है, ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, तो करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी, भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके ए बी तो बनाता है, ठीक है। अब देखो ए सी बराबर बी सी हमारे पास लिखा पड़ा है, तो मैं ए सी लिखूँगा, बी सी को ए सी के बराबर लिख लूँ, और ये ए बी। अब ए सी और ए सी कितना होता है, टू ए सी इक्वल्स टू ए बी, तो यहाँ से ए सी बराबर क्या हो गया, ये टू को इसके नीचे ले जाओ तो हाफ ऑफ ए बी आ गई है, यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, देखो ए बी, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, और सी डी और ई एफ पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे जब ये दोनों पैरेलल है, तो ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। और वाई और जेड दे रखा है रेशो में, देखो वाई और जेड रेशो में दे रखा है थ्री रेशो सेवन, ऐसे दे रखे हैं, तो मैं इसको कैसे मान लूँगा, वाई बराबर थ्री एक्स मान लूँ, ये देखो x तो दे रखा है थ्री के मान लो आपकी बार, ठीक है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगा क्योंकि x ऑलरेडी ये भी है ना, z बराबर मान लो सेवन के, ये मैंने मान लिया। अब देखो सबसे पहले देखो ये आपको दे रखा है, तो हम देखो सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो ये दो लाइनें आप देखो गौर से, ऊपर वाली सबसे और नीचे वाली, ये मैंने ए बी लिखा और ये मैंने ई एफ लिखा, गौर से देखना, और ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये तो आता ही होगा आपको, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, यानी कि जो ये एक्स है और ये जेड, ये दोनों बराबर होंगे ना, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ओके अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल होंगे, देखो जेड बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स बराबर जेड, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें, देखो ये वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइडेड है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 180, ठीक है, तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180, यहाँ पे लिख देना वन साइडेड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन सम ऑलवेज सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है, वन साइडेड ऑफ ट्रांसवर्सल ये जो लाइन है इसके जो एंगल होता है ना इंटीरियर एंगल सम वो कहता है 180, ये लिख देना आप, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मानी, x की वैल्यू तो देखो है नहीं, x z के बराबर है ना, तो 7 के लिख सकता हूँ x को, देखो x बराबर z है और z कितना 7 के, तो x की जगह मैं लिख दूँ 7 के, ठीक है, और y की जगह मैं 3 के लिख दूंगा, ठीक है, और ये 180, तो यहाँ से tan के बराबर कितना आया 180, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये नीचे tan ले जाना 18 आ जाएगी, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब देखो हमें x निकालना था, तो आपका x क्या था, x बराबर z था और x की वैल्यू कितनी थी, z के बराबर 7 के, तो रख दो यहाँ पे 7
और यहाँ पर x की वैल्यू तो 7 क्या है आपकी, और k की वैल्यू कितनी है आपकी, 18 है, ठीक है। तो यही है 18 आपकी। अब इसको आप कर दो 108 और 18, ये 126 हो गए, ठीक है। 126 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन वी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं सेक्शन सी को, ठीक है। तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर और प्लस 32x और प्लस 20। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपका आता है तो इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर है ना, इसको पी एक्स के बराबर मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पहले 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, फिर -1 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो, जिससे भी 0 आ जाए वो इसका फैक्टर है। तो मेरे को तो पता है -1 से 0 होगा, आप ऐसे करके देखोगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट करता हूँ -1, ठीक है। तो p x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, -1 इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब प्लस 13, -1 का होल स्क्वायर प्लस 32, ये -1 और प्लस 20। अब देखो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, ठीक है। -1 × -1 × -1 तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर देखो, यहाँ ओड पावर होती है ना, तो आंसर में -1 आएगा, और इवन पावर होती है तो -1 आएगा, इतना ध्यान रखो बस। तो प्लस 13, क्योंकि 1 माइनस को खा जाएगा इवन पावर, ठीक है। और यहाँ -1 × 32, तो ये -32 कर देगा और प्लस 20, ये ठीक है। अब देखो माइनस माइनस की क्वांटिटी कितनी हो रही है, -33, ठीक है। और ये प्लस प्लस की क्वांटिटी कितनी हो रही है, ये वाली 20 और 13, ये 33 होंगे ये भी, तो ये जीरो हो रहा है, हो रहा है ना जीरो, यानी कि x इक्वल्स टू -1 एक इसका फैक्टर होगा। अब इसको यहाँ ले जाओ, x प्लस 1 इक्वल्स जीरो, ठीक है। तो x प्लस 1 एक इसका फैक्टर होगा। अब x प्लस 1 को इससे डिवाइड कर दो पूरे, देखो ये आप पोज करके एक बार उतार लेना इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं 32x और प्लस क्या लिखते हैं 20, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और x प्लस 1 हमारा फैक्टर आया था ये वाला, ठीक है। अब देखो इसका प्रोसीजर, स्टेप नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे x क्यूब बन जाए, x स्क्वायर से, x स्क्वायर इंटू x कितना होगा, x क्यूब, और यहाँ पे साइड में बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर। तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर से, यहाँ लिख लो, और यहाँ पे लिख दो x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दो और ये भी माइनस कर दो, तो ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस, ठीक है। और ये 13 और ये देखो ये जो साइन है ना, अब इसका ये वाला साइन देखते हैं, ये वाला, ठीक है। या प्लस है माइनस, 13x स्क्वायर में माइनस का x स्क्वायर गया तो 12x स्क्वायर ये आया, और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32x, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, अब मेरे को सेकंड स्टेप में देखो x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर है ना आपका 12x स्क्वायर आ जाए, तो 12 से इंटू करूँगा 12x, तो 12x को इससे इंटू करेंगे तो 12x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 को 1 से करेंगे तो 12x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 12x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया बाय प्रोडक्ट में 12x, ओके। अब देखो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो वो भी लिख दो हाथों हाथ, ठीक है, 12x, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस करो, या प्लस है तो माइनस, तो प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर कट जाएंगे, प्लस का 32x और माइनस का 12x कितना बचेगा, प्लस का 32x और माइनस का 12x 20x बचेगा, 20x बचेगा ना। और यहाँ पर प्लस का क्या लिख देंगे, ये बच रहा है ना हमारा, ये 20 लिख देंगे ऊपर से, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ क्या 20x बन जाए, सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे 20x और प्लस, ये 20 × 1 20 होता है, ठीक है। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 20 से, यहाँ लिख दो, और इसको 20x और प्लस 20। अब देखो ये सेम बन रहा है, पूरा कट जाएगा और जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि हमारा ये चीज़ बनी, ये मेन चीज़। अब इसके फैक्टर निकालो, काफ़ी लंबा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल अच्छा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हमारा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 ये बना इक्वल्स जीरो, ये बना। अब इसके फैक्टर कर लो एक्स स्क्वायर, अब देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपका, 10x प्लस 2x प्लस 20, ये तो आपको आता ही होगा शायद, आई होप मैं आपको जानता हूँ, ये तो आता ही होगा। देखो कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पर 20 है, 20 × 1 20, 20 के ऐसे फैक्टर लो कि सम 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, तो 10 और 2 मैंने लिया, 10 और 2 सम करेंगे तो 12, 10 और 2
2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 20 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस 10 बचा, यहाँ से मैंने ये जो चीज़ बनी यहीं पर भी ऐसी चीज़ बनानी है तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 10 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर क्या बना, एक तो x प्लस 2 बना आपका ये और ये, और एक बना x प्लस 10 और एक शुरू में बना था x प्लस 1। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखो ये वाला ये आंसर है इसका, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रीबैक करके दोबारा से देख सकते हो आप, ठीक है। पीछे एक बार वीडियो के जाना, एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो ये रहा 8x³ + 27y³ और +36x²y और यहाँ पर है 54xy², ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है आपका a³ + b³ + 3a²b + 3ab² ये होता है फॉर्मूला, और इसी को इसी की तरह बनाना है। देखो ये आपका जो 8 होता है ना, किसका क्यूब होता है, 2 का, ये तो पता ही होगा, 2x को होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि देखो 2 का क्यूब करो 2 × 2 × 2 8 ही होगा, इसलिए मैंने 2 का ये लिख दिया। 27 किसका होता है, ये पता होना चाहिए आपको, 3 का होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो 3y का होल क्यूब ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, देखो 3 तो लिखूँगा, ये 3 ए स्क्वायर, ए ये ना पूरा ये ए होता है ना, देखो देख रहे हैं आप ए का क्यूब, ए यही होता है ना, तो अंदर वाला ए है, तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है तुम्हारे ये वाला देखो, तो मैंने लिख दिया 3y, ठीक है। और प्लस यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 3ab² तो 3 लिखूँगा, a कितना है 2x और बी स्क्वायर में क्या लिखूँगा 3y² ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, यही आ रहा है और ये भी यही आ रहा है, देख लेना चाहे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन रहा है क्यूब बन रहा है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख दूंगा, a तुम्हारा ये रहा, b तुम्हारा ये रहा, तो 2x + 3y का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसको लिख देना 2x + 3y और 2x + 3y, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इसमें आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन। देखो लाइन सेगमेंट ये मैंने मान ली, गिवन लाइन सेगमेंट, इसको आप 5 सेंटीमीटर का लोगे तो 5 ही रहेगी, मतलब लाइन सेगमेंट ऐसी होती है जिसको आप नोन होती है कि कितनी लेंथ की कितनी लंबाई की, ठीक है, ले लिया आपने। अब देखो कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखना, एक पॉइंट यहाँ रखना, आर्क लगा देना कंपास, फिर दोबारा यहाँ पे लेना, यहाँ इस पॉइंट पर रखना, फिर कंपास को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेना, यहाँ से आर्क लगा देना, दोनों को मिला देना, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर इफ ए सी बराबर बी डी देन प्रूव ए बी बराबर सी डी। देखो ये आपको दे रखा है ए बी बराबर सी डी, हमको प्रूव करना है ये। अब देखो इसमें और ए सी बराबर क्या दे रखा है आपको, बी डी दे रखा है। देखो यूक्लिड पोस्टुलेट बोलता है अगर मैं बराबर, ये इक्वल इक्वल है, अगर इक्वल में से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मान लो इसमें से बी सी सब्ट्रैक्ट करा और बी डी में से भी बी सी सब्ट्रैक्ट करा, इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या आता है आपका, इक्वल ही आता है जो भी आता है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला पार्ट मैंने दोनों में से माइनस कर दिया, ठीक है, ए सी पूरे में से मैंने ये वाला पार्ट हटाया तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट ए बी, और ऐसे ही पूरी बी डी में से, देखो बी डी ये वाला है पूरा, बी डी में से ये वाला पार्ट हटा दिया तो कौन सा बचेगा, सी डी वाला पार्ट, तो ये सी डी, यही प्रूफ करना, तो ये आ गया ए बी बराबर सी डी। ओके यूक्लिड पोस्टुलेट से मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, तो 30th क्वेश्चन है ये, तो देखो एन सी आर टी का है ये, आप ट्राई करना, ठीक है, हो जाएगा। कैसे करोगे, इन दोनों का सम लिखना, इन दोनों का सम लिखना, फिर दोनों को बराबर कर देना, आपका आ जाएगा, ठीक है। नहीं होए तो कमेंट कर देना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वाला 31 भी आप कर सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। नहीं होए तो कमेंट कर देना, कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों हम सेक्शन डी पे पहुंच गए, ठीक है।
तो सेक्शन डी में जो ये क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको करते हैं ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है 2√3 ठीक है, और प्लस कितना है यहाँ पर 3√27, और यहाँ पे क्या लिख रखा 1/√3 ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो √27 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9√3 ठीक है। और फिर देखो √9 का तो आपको पता है 3 होता है, √9 में होता है ना 3 होता है इसका, ये तो पता होगा ना 3 होता है, और अंदर क्या बचा 3√3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √27 को 3√3 ठीक है। तो मैंने लिखा 2√3 प्लस 3, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा इनटू में, ये सारे इनटू में होता है ठीक है, 3√3 ये मैंने लिख दिया प्लस। अब 1/√3 को रेशनलाइज कर लो, √3 और √3 ऊपर नीचे कर दो, तो √3 तो ऊपर आ जाएगा, और √3 × √3 कितना होता है 3 ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा √3/3 ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप साइड में लिख देना इसके इधर ठीक है, यहाँ पे जब भी आपने एग्जाम में करो तो ठीक है। अब देखो ये तो आपका क्या हो गया 2√3 ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2√3। अब देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस लगाऊंगा यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9√3 ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका √3/3 ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये √3 है, ये भी √3 है, तो √3 तो ऐसे कैसे लिख दो, और 9 और 2 कितना होता है 11, तो 11√3 हो जाएगा ना आपका ठीक है, और यहाँ पे कितना है √3/3। अब यहाँ पे नीचे 1 लगा लो ठीक है, अब एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, या 1 है या 3 है, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11³ = 33, और ये √3 प्लस यहाँ आपका 3 है नीचे, यहाँ भी 3 है, तो ये √3 ऐसे कैसे लिख दो ठीक है। अब देखो ये √3 √3 दोनों जगह है, तो √3 लिख दो ठीक है, और 33, और यहाँ पे 1 मान लो कुछ नहीं है, 33 और 1 = 34, और अपॉन √3 ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 34√3/3 ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक बार इसको चेक कर लेता कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 2√3 ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा 3³ = 9√3 ठीक है, और फिर 3√3/3 इसको मैंने लिख दिया ठीक है। फिर उसके बाद हमने 9 और 2 कितना होता है आपका 11 ठीक है, 11√3, और यहाँ पे √3/3, और फिर इसके बाद 3 एलसीएम आ गया, 3 11 से 33 √3 + √3 √3 ऐसे लिख दिया, 33 और 1 = 34 और √3 ठीक है, तो यही आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, तो इसमें क्या लिखा गया 5 ठीक है, 5 लिख रखा है प्लस 2√3, नीचे क्या लिख रखा 7 + 4√3 ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, फिर इसके बराबर कर देंगे ठीक है, रेशनलाइज कर दो इसका ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ 7 और 4√3 लिखूंगा, नीचे भी 7 और 4√3 लिखूंगा एज इट इज ये वाला, लेकिन बस माइनस लगा दूंगा, ध्यान रखना ठीक है, ब्रैकेट लगा दो सभी में, ब्रैकेट से क्या क्वेश्चन गलत नहीं होता ठीक है, गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं फिर ठीक है। तो देखो 5 को पहले इससे इंटू करेंगे तो 7 × 5 = 35, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आएगा, 5 × 4 = 20√3 ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो 7² = 14√3 ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4² = 8, और √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 ठीक है, ये तो आ गया। नीचे क्या आ जाएगा a+b और a-b बन रहा है, तो a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b² ठीक है, तो 7² - 4√3² यही बनेगा। अब देखो देखो 35 और ये कितना हो जाएगा आपका 8³ = 24, तो 24 35 में से 24 घटाए तो 11 बचेगा ठीक है, और ये माइनस का 20√3 प्लस का 14√3, तो माइनस का कितना बचेगा 6√3 बचेगा ठीक है, ये तो मैंने कर दिया ठीक है। नीचे क्या बचेगा 7² = 49 माइनस, अब 4√3² तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4√3 × 4√3, तो 4 × 4 = 16 और √3 × √3 = 3, तो 16³ = 48 यहाँ पे लिख दो 48 ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो ये क्या बना आपका 11 - 6√3
और 49 में से 48 का तो 1। अब 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो नीचे, ठीक है। तो ये आ गया 11 माइनस 6 रूट 3। अब इसको किसके बराबर पुट करना है, इसके बराबर a माइनस 6 रूट 3। और इसमें बतानी क्या है, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कंपेयर कर दो, a की वैल्यू क्या आई 11, क्योंकि ये तो सेम है और ये माइनस भी सेम है, तो a की वैल्यू क्या आई 11। ओके अच्छा क्वेश्चन है, ठीक करके जाना इसको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, देखो a प्लस बी प्लस सी, ये आपको 5 के बराबर दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको 10 के बराबर दे रखा है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये दे रखा है आपको माइनस 25 के बराबर। ये तो हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये दे रखा है, इसका होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो a प्लस बी प्लस सी बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होगा क्या होता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है, और इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लो ए बी बी सी सी में सी ए में से, ठीक है। तो ये बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और वो किसके बराबर 25। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको 10 के बराबर दे रखा है, यहाँ 10 पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया 10 लिख दिया, ठीक है, और इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब ये क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना बन गया 20, कितना बन गया 20, और यहाँ पे 25, तो आपके पास वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 25, 20 को इधर ले जाओ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आई 5 के बराबर। देखो ये वैल्यू हमने रख ली, ठीक है। अब मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर ज़रूरत है तो आपको, ठीक है। ये मैंने मिटा दी, मेरे को मेन चीज़ मैंने ये रख ली, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ABC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इसका क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यही होता है। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 रख दो, ठीक है। ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, ये अभी भी निकालिए, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस कॉमन लोगे ना तो अंदर प्लस प्लस ये बचेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है, यहाँ 10 पुट कर दो, ये मैंने 10 पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब 5 और 5 में से माइनस 10 गया तो कितना बचा, ये इनटू में सारे, ठीक है, 5 में से माइनस का 10 गया तो कितना बचा माइनस का 5, तो क्या आंसर आ गया माइनस 25, और यही हमको प्रूव करना था, देखो हो गया प्रूव, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से करना जरूर, ये जो सेक्शन डी ओ सेक्शन ई है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द गिवन फिगर आपको दे रखा है, यहाँ पर लाइन दे रखी है एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, और पी ओ वाई आपको दे रखा है 90, और ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। नहीं हो तो कॉमेंट में टाइप कर देना, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, चलो ठीक है। देखो ए और बी का रेशो, देखो ये पहली बात तो ये पूरा का पूरा देखो पी ओ वाई कितना दे रखा है 90, तो ये भी पूरा 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, समझ गए, क्योंकि ये पूरा 180 होता है ना, इस वजह से लीनियर पेयर एक्स ओ वाई क्या है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिखूंगा ए और बी दे रखा है आपको 2:3 रेशो में, तो मैं इसको मान सकता हूँ 2x और 3x, तो मैंने लिखा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90, तो 5x बराबर कितना हो गया आपके पास 90, तो x बराबर कितना हो गया 90 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 × 5 और 5 × 8 = 40, ठीक है, यही आएगी आपके पास, x की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। अब देखो
अब एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो ये पूरा लीनियर पेयर एंगल है, स्टेट स्टेट लाइन है, एम ओ एन, देखो एम ओ एन स्टेट लाइन है, तो मैं क्या लिखूँगा बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बी तो आपने क्या मान रखा था 3x, यही है ना, देखो ये हाँ सर 3x, और सी ऐसे कैसे छोड़ दो ये 180। अब यहाँ पर 3x की वैल्यू रख दो 18, और प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो 18 थ्री जो 54 और ये 180, तो c बराबर कितना आ गया आपके पास 180 माइनस 54, तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2 और 1, 126 डिग्री आ जाएगा आंसर, ख़त्म। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35। देखो इन द गिवन फिगर ये दे रखा है, रे ओ एस दे रखा है आपको, पी ओ वाई दे रखा है, रे ओ आर दे रखा है, ओ टी आर एंगल बाई सेक्टर, ठीक है इसमें एंगल बाई सेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, अगर ये देखो इसको मैंने वन माना एंगल वन, इसको टू माना, इसको थ्री माना, इसको फोर माना, ठीक है आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है, आर ओ टी मतलब टू और थ्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब मैंने लिखा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये सभी किसके बराबर होंगे, लीनियर पेयर एंगल बन रहे 180 स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है 180 लिख लिया। अब तुमको पता है कि एंगल वन और एंगल टू बराबर है, तो एंगल वन की जगह टू रख दूँ और एंगल टू को एज इट इज रहने दूँ, क्योंकि देखो भाई ये वन और टू बराबर है, देखो बराबर के साइन लग रहे हैं, ये दोनों बराबर है, ऐसे थ्री और फोर बराबर में आपस में, तो फोर को थ्री के बराबर लिख दूंगा मैं, तो थ्री प्लस थ्री, क्योंकि मेरे को ये दोनों एंगलों का वो निकालना है ना, इसलिए मैंने इसको टू और थ्री के फॉर्म में लिखा है ये 180। तो यहाँ से टू और टू कितना हो जाएगा, टू एंगल टू, ठीक है टू एंगल टू, और यहाँ पर थ्री और थ्री कितना हो जाएगा, टू एंगल थ्री इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से टू कॉमन ले लो, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये अब यहाँ पर एंगल टू प्लस एंगल थ्री को क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर ओ टी ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसी के बराबर है आर ओ टी, ये लिख दिया, ठीक है और 180, अब ये टू है नीचे चल जाएगा इसके, तो ये काट दो 90 डिग्री के बराबर है, देखो और यही निकालना था हमको कि क्या आ जाएगा ये 90 डिग्री के बराबर। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है। ठीक है ठीक है, सेक्शन डी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट और फाइनल सेक्शन आपका, सेक्शन ई पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला, ठीक है केस बेस्ड। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख लो, वन डे द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर स्कूल विजिटेड द क्लासरूम, क्लास टीचर वॉज टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ स्टूडेंट, ही वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय हर वे ऑफ टीचिंग टू चेक वेदर द स्टूडेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टॉट बाय हर और नोट, ही आस्क्ड वेरी क्वेश्चन टू स्टूडेंट, मतलब आपके प्रिंसिपल आए स्कूल क्लासरूम में और उसने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है और इसमें a बराबर जीरो अगर हो जाए तो वो कौन से टाइप की पॉलीनोमियल बनेगी, ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, अब आपकी बी एक्स प्लस सी बचेगा और ये कौन से टाइप की आपकी पॉलीनोमियल होती है, देखो डिग्री इसमें हाईएस्ट कितनी है वन, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल होगा, लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है ठीक है, पहला आ गया। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, देखो ये सेकंड वाला पार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, अब आपको इसमें x माइनस वन इसका एक फैक्टर दे रखा है, x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो इसको जीरो के बराबर पुट कर दो और x की वैल्यू वन आ जाएगी, अब वन इसमें रख दो, ठीक है तो k की वैल्यू निकल आएगी, तो इसका कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा। ठीक है, वन पुट कर दो, इतने सारे क्वेश्चन करें थोड़े बहुत आप भी करो, ये वन पुट कर देना, वन का क्यूब और यहाँ वन का स्क्वायर और ये थ्री, ऐसे पुट कर देना, के की वैल्यू बताना हमें कमेंट में क्या आ रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सी वाला है आपका, ये वाला थर्ड, ठीक है इसका थर्ड, यही थर्ड पार्ट मान लेना इसको, ठीक है ये थर्ड वाला पार्ट कर लेना, एक्सपेंड, ठीक है ये एक्सपेंड है 4a 2b और ये 3c का होल स्क्वायर, अब इसमें लगा दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है ना,
देखो यहाँ पर जो माइनस का साइन है ना उसको ध्यान से रखना इसमें माइनस, क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन इसमें बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में आएगा, ध्यान रखना आप, और इसमें माइनस में, ठीक है। और फिर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए की जगह फोर है और बी की जगह माइनस टू बी, फिर प्लस टू बी सी माइनस टू बी और यहाँ पे थ्री सी, ठीक है, और फिर प्लस टू सी ए सी माइनस थ्री सी और ए फोर है, ठीक है। इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, फोर का फोर ए का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन ए स्क्वायर, फिर ये माइनस इवन इवन पावर माइनस को खा जाती है तो ये क्या लिखूँगा टू टू जा फोर बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका थ्री थ्री जा नाइन सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन और माइनस आएगा अब माइनस सिक्सटीन और ए भी, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, प्लस का ट्वेल्व, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ तो देखो माइनस माइनस से प्लस हो गया इसलिए अब यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर ए सी या सी ए कुछ भी लिख दो, ए सी लिख दो, ठीक है। तो ये इसका वो हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडीज की जो भी है आपके पास, देखो नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, देखो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर एंड एम, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने आर के, तो आर का देखो एक्स एक्सिस पर माइनस सिक्स है, ठीक है, और आपका वाई का तो जीरो ही है आर पे, ठीक है, माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा। एम के बताओ, एम के क्या हो जाएंगे, देखो फोर एक्स पे है और वाई का तो जीरो ही है, फोर जीरो, ठीक है। फिर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, देखो यहाँ से एक्स एक्सिस चलेंगे फोर, ठीक है, वाई एक्सिस पे कितना चलाइए थ्री, तो फोर कॉमा थ्री, क्यू के देखो क्यू, इस क्यू के एक्स एक्सिस पर कितना चला है माइनस सिक्स, देखो यहाँ से यही तो आ रहा है, और वाई एक्सिस पर कितना चला है देखो नीचे, देखो यहाँ से, यहाँ से आप नीचे देखोगे तो माइनस टू, ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इनके, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ एम पी पी एन क्यू एन, तो एम पी कितना है, देखो एम पी एम से पी ये कितना है आपका थ्री है, देखो थ्री है ना, थ्री लिख दिया, प्लस पी एन देखो पी एन P से N ये कितनी दूरी है आपकी, वन टू थ्री फोर, फोर है P से N, ठीक है फोर लिख दो, फिर प्लस आर क्यू देखो आर क्यू, देखो R से Q, ठीक है कितनी है यहाँ से माइनस सिक्स है, लेकिन लेंथ पॉजिटिव में होती है हमेशा, लेंथ किस में होती है पॉजिटिव में होती है, तो यहाँ पर प्लस का सिक्स रखना है आपको, ठीक है माइनस का नहीं रखना, तो ये क्या आ जाएगी आपकी सिक्स आ जाएगी, फिर प्लस QS, क्यू एस कितना है आपका Q, देखो यहाँ आर क्यू हुआ, ठीक है R से Q, सॉरी देखो आर क्यू है ना, रुक जाओ एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखो आर क्यू ये वाला है, ठीक है आर क्यू ये वाला है, तो ये कितनी लेंथ है आपकी वन और टू, तो यहाँ पे टू रखना, ठीक है ये टू, और क्यू एस देखो क्यू एस, क्यू से S ये सिक्स है, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, फोर और थ्री सेवन और टू नाइन, नाइन और सिक्स फिफ्टीन, तो 15 इसकी टोटल लेंथ होगी। एक बार करेक्शन कर लो, एम पी देखो एम पी कितना था आपका 3, ठीक है, और पी एन कितना था, पी एन ये आपका 4, ठीक है 4, फिर आर क्यू कितना था, आर से क्यू ये आपका कितना है 2, ये 2 रखा, ठीक है, और क्यू एस कितना है आपका, क्यू से लेके एस ये आपका 6 है, ठीक है 6 और 2 8 12 और 15, ये 15 आ जाएगा, ठीक है टोटल लेंथ 15 आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, सबसे पहले दे रखा व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ओ एस और एस ओ आर, देखो पी ओ एस ये वाला और एस ओ आर ये वाला, देखो आप ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन है पी ओ क्यू, अब जब ये 90 का सिंबल होता है, जब ये 90 है तो ये वाला कितना होगा 90 पूरा, ये पूरा 90 होगा ना, तो इनका सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर है 180 होता है इसका सम, ये 90 डिग्री हो गया आपका, तो ये कितना बचा 90, इन दोनों का सम 90 आएगा, ठीक है। नेम द एक्यूट एंगल इन दिस डायग्राम, एक्यूट एंगल बताने, तो एक्यूट एंगल एक तो पी ओ एस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री से लेस देन है, एक तो आ जाएगा पी ओ एस और एक हो जाएगा आपका
आर ओ एस, ये वाला एंगल, एंगल आर ओ एस, ठीक है, या एस ओ आर बोल दो, बात एक ही है। फिर उसके बाद देखो आपको ये प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, देखो एंगल आर ओ एस हाफ ऑफ एंगल आर क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपका एन सी आर टी से है, ये आप कर सकते हो, आई होप मैं समझता हूँ, नहीं होगा तो कमेंट में टाइप कर देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और ये आपका जो सैम्पल पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यहीं पर फिनिश होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों आपको इसके अलावा जैसे साइंस, एसएसटी, हिंदी या फिर एआई कंप्यूटर, अगर आपको उसके सैंपल पेपर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम अलविदा देते हैं आपसे दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।